जिला विकास आयुक्त बारामूला डॉक्टर सैयद सहरिश असगर ने आज कृषि परिसर नूरबाग बारामूला में एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट अवार्ड मनी के तहत स्थापित हनी प्रोसेसिंग कम बॉटलिंग प्लांट और हाईटेक पॉली हाउस का उद्घाटन किया। इस अवसर पर जिला विकास आयुक्त बारामूला ने किसानों के बीच पौधे का वितरण किया। पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने बताया कि हमें इस काम के लिए एक बार पीएम एस्पिरेशनल अवार्ड भी मिला है और उन्होंने लोगों को ज्यादा से ज्यादा हनी की खेती तथा इसके प्रति जागरूक किया। उन्होंने कहा कि हम इसी काम को लेकर न केवल भारत में बल्कि देश विदेश में भी अपनी पहचान बनाएंगे। ग्राम कर रहे हैं, यहाँ हम डिफरेंट वेजिटेबल्स जो हैं, चाहे ब्रिंजल हो गया, कैप्सिकम हो गया, कैबेज हो गया, चिलीज हो गए, इसके अलावा जितना भी सीजनल वेजिटेबल्स होते हैं वो हम यहाँ उगाते हैं, फ्रेश वेजिटेबल्स उगाते हैं और उनकी जो सीडलिंग्स भी होती हैं वो भी हम लोगों को उनके किचन गार्डन के लिए हो या फार्मिंग पर्पसेस के लिए हम देते हैं। इसकी बहुत डिमांड है, इवन प्राइवेट सेक्टर में भी हमने ऑलमोस्ट टारगेट 41 किया है और उनमें से 18 को हमने जो प्राइवेट हैं पॉली हाउसेज वो भी दिए हुए हैं। इसकी वजह से हमारी जो वेजिटेबल प्रोडक्शन है उसमें क्वांटम जंप हुआ और हमें बाहर से जो इम्पोर्ट है वो रिमार्केबली डिक्रीज़ हुआ है, स्पेशली विंटर्स में, स्प्रिंग सीजन में, और इसी वजह से हमारा जो इंडेक्स भी था, जो हमारे डिफरेंट इंडस्ट्रीज होते हैं एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम के, उसमें भी हमारी रैंकिंग बहुत ऊँची गई है एंड वन ऑफ द रीज़न जो हमें पीएम एस्पिरेशनल अवार्ड भी मिला है। तो मैं समझती हूँ ये हमारे बारामूला के लिए एक बहुत अच्छी बात है और इसमें भी हम और ज़्यादा कोशिश करेंगे कि हर ब्लॉक लेवल पे भी इस तरह के पॉली हाउसेस हम प्राइवेट प्लस पब्लिक सेक्टर में खोल सकें। एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट बारामूला ने एग्रीकल्चर के सेक्टर में बहुत ज़्यादा जो है एडवांसमेंट्स की हैं, उसमें से एक हमने हनी कल्टीवेशन में भी बहुत इम्प्रूवमेंट्स की हैं। 800 क्विंटल जो है हमारे पूरे डिस्ट्रिक्ट बारामूला में आज हम हनी प्रोडक्शन कर रहे हैं। तो हमें ज़रूरत थी कि हम एक ऐसा प्लांट खोलें जहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट जगहों से जो हनी हमारी प्रोड्यूस हो रही है उसको हम फिल्टर कर सकें और बॉटलिंग कर सकें। तो वर्मुल हनी के नाम से हमने एक नया ब्रांड जो है वो स्टार्ट किया है जिसमें हमने एक प्लांट खोला है और अगर हमारे पास 100 क्विंटल भी डिफरेंट एरिया से हमें हनी आता है तो हम उसकी प्रोसेसिंग और बॉटलिंग भी यहाँ पे कर सकते हैं, जिसमें FSSAI की भी हमारे पास लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन है। इस तरीके से हम और भी कोशिश कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हैं वो हनी की बॉटलिंग, उसकी प्रोसेसिंग, उसके कल्टिवेशन में आए। ये जो हमारी फैसिलिटी है ये बारामूला मेन में रहेगी और इसी तरह की हम आगे भी इंशाल्लाह जो हमारे अवार्ड बनी से क्योंकि हमने ये फैसिलिटी खोली है और भी जगहों पे हम कोशिश करेंगे कि लोग जो एग्रीकल्चर के साथ साथ हनी कल्टीवेशन में भी जा रहे हैं वो भी इसमें पॉटलिंग और प्रोसेसिंग में आए ताकि इससे एडेड इनकम जो है वो फार्मर्स की भी हो और क्वालिटी जो हनी है जो हमारे कश्मीर का एक अच्छा ब्रांड बन सकता है उसको भी हम प्रमोट करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि ये नेशनली नहीं इंटरनेशनली भी हम इसको मार्केट कर सकें। कांग्रेस के पूर्व नेता पीर